सुबह के बजे हैं 5:30 और हम निकल गए हैं पेरिस से। हमारी फ्लिक्स बस है ब्रुसेल्स तक। अभी हम लेंगे ट्रेन बस स्टॉप तक जाने के लिए, फिर वहाँ से 3.5 घंटे की बस की जर्नी है। तो मिलते हैं आपको सीधा बस में। अब हम बरसी मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गए हैं और ये पार्क दे बरसी है, बरसी आई वुड से ये लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। फॉलो दैट पालू। फिर अब हम जा रहे हैं फ्लिक्स बस स्टॉप की तरफ। 5-10 मिनट की वॉक है, लोग आ भी रहे हैं वहाँ से बस से शायद। पहुँच गया बस स्टॉप, यहाँ पे ये है फ्लावला कार वाली बस है। अब हमें ढूंढनी है फ्लिक्स बस वाली। फ्लिक्स बस कहाँ है? आ जा इधर से दिख गई है हमारी बस। 801 ब्रुसेल्स नॉर्थ स्टेशन लिखा हुआ है फ्लिक्स बस। ये शहर टिकट चेक कर रहे हैं। सीट नंबर है या कैसे? ऊपर देख। अपस्टेयर्स ओके। तो ये हो गया जी आपके फ्लिक्स बस की सीटें। थोड़ी रिक्लाइनिंग है, लेग स्पेस भी ठीक लग रहा है नीचे। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। फिर यहाँ पे उछलने का रोडवेज थोड़े ना, सीट ठीक ही रहती है आज। नहीं पर लेफ्ट बैठे या राइट बैठे? अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें USB चार्जिंग भी है और आप अपना नॉर्मल चार्जर भी लगा सकते हो। तो बस के अंदर भी फ्लाइट वाली फैसिलिटीज एक तरीके से। यहाँ थोड़ा सा छोटा लगेज रखने की जगह, सामने स्क्रीन वगैरह वगैरह, ट्रे टेबल है, कॉफ़ी के होल्डर भी है आपके पास, नॉर्मल ग्लास भी रख सकते हो। फुट रेस्ट भी है, थोड़ा सा रेक्लाइनिंग भी होता है क्या? हाँ, विंडो भी बड़ी है। पर और यहाँ पे AC वेंट्स हो गए, रीडिंग लाइट्स हो गई और यहाँ पे स्टॉप और लाइट वाइट बंद करने का ऑप्शन है। नोट 7:15 का टाइम था और कितने बजे चल पड़ी है? 7:15 पे ही चल पड़ी है, तो मतलब टाइम पे ही रहती है। तो ऐसा मत सोचना कि इंडिया की तरह थोड़ा लेट चलेगी। सीट आराम से रिक्लाइन हो गई है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। मतलब प्लेन से भी ज़्यादा रिक्लाइन हो गई है, तो बहुत कंफर्टेबल है। और अब हम जा रहे हैं सोने, आगे पहुँचेंगे, ब्रेक लेंगे तब आपको दिखाते हैं। और अब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे तो मिनिमम मान ही लो अपना चलने के बाद। देखते हैं कुछ खाने पीने का है क्या। और अब यहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है हाईवे पे, क्रोसान और कॉफ़ी। सो के उठा है, सबके सब ऐसे है। अब 4 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं बेल्जियम ब्रुसेल्स और अब जा रहे हैं हम अपने एयरबीएनबी की तरफ। यहाँ से 20 मिनट की वॉक है,
तो वी आर नॉट टेकिंग द ट्रैम बिकॉज ट्रैम तक भी जाके 10 मिनट तो वॉक करो और फिर 10 मिनट ही ट्रैम के, तो उससे बेटर है कि हम वॉक ही कर लेंगे। ऊबर बहुत कॉस्टली होती है यहाँ पे, लाइक 5 किलोमीटर के इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 यूरो मिनिमम, अदरवाइज 40-50 यूरो भी चला जाता है। अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि खाना पेरिस से बेटर मिल रहा है। यहाँ पे शोरमा भी दिख गया मुझे, कबाब्स भी दिख गए मुझे, पेरिस में बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिल रहे थे। ये वाला एयरबीएनबी भी हमने बिल्कुल सिटी सेंटर में ही किया है बिकॉज कल रात को देर आने से आना है हमें, लाइक 2-3 बजे, तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक वाला। सो गाइस, अभी हम एयरबीएनबी के सामने तो आ गए हैं, लेकिन ये कि होस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, शायद वो 2 बजे आएगी। उसने बोला कि वो 2 बजे के बाद ही चेक इन दे पाती है, पर अवेलेबल नहीं होने के कारण अब तो 1:30 बज रहा है, तो आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। सामने पार्क है, उसके अंदर ही बैठेंगे, सर्कल पे ही बना हुआ है, अच्छा सुंदर है, उसका वेट करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, सी यू, बाय बाय।